तो और शिनोबी कैसे हो? आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल बीच की पावर्स, उनकी एबिलिटीज और उनके चाक्रा नेचर के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहो। तो टेल बीच ओरिजिनेट हुए थे हागोरोमो ओत्सुजुकी के द्वारा, जिसे हम सेज ऑफ द सिक्स पाथ के नाम से भी जानते हैं। हागोरोमो ने अपनी पावर 9 अलग अलग क्रीचर्स में डिवाइड कर दी थी, इसे हम टेल बीच के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन टेल से। वन टेल का नाम है शुकाकू, जो कि एक रकून डॉग जैसा दिखता है। इसका सबसे पहला जिनचुरिकी था बनपाकू, जो कि एक प्रीस्ट था और उसे जेल में बंद कर दिया गया था। और इसका लास्ट जिनचुरिकी था गारा, जो कि था सैंड विलेज का काजेकागे। और हमने शुकाकू को सीरीज में विंड रिलीज, अर्थ रिलीज और मैग्नेट रिलीज जैसे नेचर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा है। बात करते हैं टू टेल की, जिसका नाम है मातावी। ये कैट के दिखता था और इसका लास्ट इंजरी थी युगीटो नी, जो कि थी हिडन क्लाउड विलेज की शिनोबी। और हमने मातावी को सीरीज में फायर स्टाइल परफॉर्म करते हुए देखा है। और अब बात करते हैं थ्री टेल बीस्ट की, जिसका नाम है इबीसू। ये एक टर्टल के जैसा दिखता है। सीरीज में इसके दो जिनचुरिकी रह चुके हैं। पहला है यागोरा, जो था थर्ड मिजू का आगे हिडन मिस्ट विलेज का, और दूसरी है रेन नोहारा, जो कि है हिडन लीव विलेज की। और सीरीज में हमने इबीसू को वाटर स्टाइल परफॉर्म करते हुए देखा है और पानी में रॉकेट की स्पीड से तैर सकता है। और अब बात करते हैं फोर टेल बीस्ट की, जिसका नाम है सोन गोकू, ड्रैगन बॉल दिवाला नहीं। और इसका लास्ट जिनचुरिकी था रूशी, जो कि था हिडन स्टोन विलेज का शिनोबी। और सीरीज में हमने सोन गोकू को लावा रिलीज, अर्थ रिलीज और फायर रिलीज जैसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए देखा है। और फोर टेल ताइजित्सु में भी एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं फाइव टेल की, जिसका नाम है कुकुई। इसकी बॉडी है घोड़े जैसी और हेड डॉल्फिन जैसा दिखता है। इसका लास्ट जिनचुरी था हान, जो कि था हिडन स्टोन विलेज का शिनोबी। और फाइव टेल के पास है फायर रिलीज और वाटर रिलीज जैसी टेक्निक्स। अब बात करते हैं सिक्स टेल की, जिसका नाम है साइकन, जो कि एक स्लग जैसा दिखता है। और इसका लास्ट जिनचुरी था उताका, जो कि था हिडन मिस्ट विलेज का शिनोबी। सिक्स टेल इस्तेमाल कर सकता है वाटर स्टाइल और बबल प्रोड्यूस कर सकता है और एसिड फेंक सकता है। अब बात करते हैं सेवन टेल की, जिसका नाम है चोमोई, जो कि एक बीटल जैसा दिखता है। और इसका लास्ट जिनचुरी की थी फू, जो थी हेडन वाटरफॉल विलेज की। चोमोई एक अकेला टेल बीस्ट है जो उड़ सकता है। और अब बात करते हैं एट टेल की, जो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा टेल्स उतनी ज़्यादा ताकत। एट टेल का नाम है ग्यूकी और इसके जिनचुरी का नाम है किलर बी, जो कि है हिडन क्लाउड विलेज का शिनोबी, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और हमने एट टेल को लाइटनिंग रिलीज, अर्थ रिलीज जैसी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखा है। अब बात करते हैं नाइन टेल की, जो है सबका ऑल टाइम फेवरेट, द स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट क्योरामा के बारे में। और इसके कई सारे जिनचुरिकी रह चुके हैं। जो सबसे पहली जिनचुरिकी थी नाइन टेल की, वो थी मीटो उज़ुमाकी। और उसके बाद जो सेकंड जिनचुरिकी थी, वो थी कुशीना उज़ुमाकी। और जो इसका थर्ड जिनचुरिकी था, नारुतो उज़ुमाकी, हमारा फेवरेट बिलीव इट। और आप कह सकते हो कि मिनाटो भी नाइन टेल का जिनचुरिकी रह चुका है, क्योंकि उसने आधा नारुतो के अंदर डाला था नाइन टेल को और आधा अपने अंदर। और सभी टेल बीस्ट एक कॉमन अटैक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है टेल बीस्ट बॉम्ब। और कुछ टाइम के लिए नारुतो सभी नाइन टेल का जिनचुरिकी रह चुका है। और अब बात करते हैं टेन टेल की। टेन टेल तब फॉर्म होता है जब सभी नाइन टेल्स का चाकरा एक जगह कंबाइन हो जाता है। टेन टेल्स की जिनचुरिकी रह चुके हैं मादरा, ओबीटो और हागोरोमो।
तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ आपके नए नए आइडियाज़। तब तक के लिए बाय।